हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू राइट VHDL कोड फॉर सेकंड टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर व्हिच इज सीरियल इन पैरेलल आउट। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सीरियल इन सीरियल आउट के बारे में और उसका VHDL कोड। अब यहाँ पर इसका नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा है डेटा इज गोइंग टू बी इंसर्टेड सीरियली और हम आउटपुट जो लेने वाले हैं वो हो जाएगा पैरेलल। अब पैरेलल मीन्स व्हाट? सो वी कैन टेक द आउटपुट टर्म्स एट अ टाइम। That means whenever we'll apply a clock pulse, we can take all output bits at the same instant. That is why it is called as parallel out. Iska skim yahan par Q0, Q1, Q2 or Q3 parallel liya hai. That means they are being taken out at the same instant of time. So both the conditions are satisfied. Data is moving serially input, serially in, and it is taken out parallel. Isi wajah se hum isko bol sakte hai serial in parallel out shift register. अब हम बात करेंगे, नाउ विल डिस्कस अबाउट राइटिंग इट्स VHDL कोड। सो विल स्टार्ट विद अगेन डिफाइनिंग द लाइब्रेरी टर्म एज IEEE। बाद में हम इसको यूज़ करेंगे बाय द स्टेटमेंट यूज IEEE डॉट इट्स पैकेज डॉट ऑल। नाउ लेट अस कम अक्रॉस डिफाइनिंग द एंटिटी। द नेम ऑफ एंटिटी इज सिपो, दैट स्टैंड्स फॉर सीरियल इन पैरेलल आउट इज। इसका पोर्ट हम डिक्लेयर करेंगे क्लॉक क्लियर। दीज आर द इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक टर्म्स विच आर इनपुट टर्म्स। एस इन विच इज सीरियल इन इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक और आउटपुट जो है वो हम ट्रीट करेंगे क्यू आउटपुट स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर से। बाद में हम डिक्लेयर करेंगे आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ सिपो इज, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। अब इसमें सबसे फर्स्ट टर्म हम एक सिग्नल को जनरेट करेंगे, उसका नाम हमने लिखा है सिग्नल क्यू आउट स्टैंडर्ड लॉजिक वैक्टर 3 down to 0। अभी क्यू रखा है बिकॉज आउटपुट इज इंसर्टिंग सीरियली और उसको हम आउटपुट ले रहे हैं, सॉरी इनपुट इज टेकन सीरियली और आउटपुट हम ले रहे हैं पैरेलल। तो इस वजह से जो भी इंटरनली जनरेटेड डेटा हो जाएगा वो हमें स्टोर करना पड़ेगा फॉर अ कपल ऑफ सेकंड और मे बी फॉर सम ड्यूरेशन। उसके लिए हम एक सिग्नल डिफाइन करेंगे क्यू आउट। बाद में हम आते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। सो आर राइटिंग द स्टेटमेंट एज प्रोसेस क्लॉक। इसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे इफ क्लियर इज इक्वल्स टू 0। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाई डिफॉल्ट द आउटपुट क्यू इज गोइंग टू बी 0000. That means all the flip-flop will be in reset mode. So here it is going to be 0000. If this condition is not satisfied, we will go for the next condition. It will check else if clock 1 and clock decrement. That means whether the clock is rising, that means from 0 to 1, and whether there is an event occur. If this condition is satisfied, then it will fetch the condition as Q out 3 down to 1 should be less than or equal to Q out 2 down to 0. अब इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? क्यू आउट हमने यहाँ पर आउटपुट सिग्नल लिया था, उसका लेंथ था 3 down to 0। सो इट विल हैव आउटपुट लाइक Q3, Q2, Q1, क्योंकि इसका लेंथ हमने लिया है 3 down to 1। अब इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा क्यू आउट 2 down to 0। तो ये एक आउटपुट जनरेट करेगा Q2, Q1 और Q0। अब देखो Q3, Q2, Q1 इज इक्वल टू है Q2, Q1, Q0। That means जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाएगा वो हमने पैरेलल लिया है और नेक्स्ट 3 फ्लिप फ्लॉप्स का जो आउटपुट था वो रहेगा पिछले वाला बिट और यही सीक्वेंस जो है वो चेंज होता जाएगा। सो इट सिंपली गिविंग अस द हिंट दैट वी आर टेकिंग द आउटपुट पैरेलल। अब पैरेलल ये जब हम आउटपुट लेते हैं तो जब हम एक क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ओनली 1 बिट विल बी चेंज एंड दैट बिट विल बी आर इनपुट टर्म एंड नेक्स्ट बिट विल रिमेन्स द प्रीवियस सेट एंड दैट वी कैन फेच फ्रॉम दिस टर्म। अब ये हो जाने के बाद हम लिखेंगे क्यू आउट 0 क्योंकि लास्ट टर्म है और इनपुट टर्म है, इट इज इक्वल्स टू एस इन, यानी कि यहाँ से इनपुट इंसर्ट हो जाएगा क्यू आउट की तरफ और दैट कैन बी टेकन आउट अक्रॉस Q3, Q2, Q1। सो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन एवरी टाइम
एक इनपुट चेंज हो जाएगा और वो इनपुट आउटपुट भी लिया जाएगा और इट विल बी मूव टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। बाद में हम एंड करेंगे इफ स्टेटमेंट को, प्रोसेस को एंड करेंगे और विल रिटर्न द सिग्नल ऑल्सो। वट एवर द डेटा इज स्टोर अक्रॉस क्यू आउट, इट इज रिटर्न टू क्यू। सो हमने लिखा है क्यू लेस देन इक्वल्स टू क्यू आउट, क्योंकि क्यू हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। और हम इसको एंड करते हैं एंड आर्किटेक्चर। सो दिस इज गोइंग टू बी द VHDL कोड फॉर सीरियल इन पैरेलल आउट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हम किस तरह से आउटपुट को पैरेलली दे रहे हैं और इनपुट को सीरियली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।